भाई साहब के घर पे आ गए हम लोग, और ये मिले भाई अपने, अभी भाई सोए थे और जस्ट हम लोग आए हैं खोरिया गांव से मसीना में। सबसे पहले तो भाई लोग आप सभी को नमस्ते, और भाई लोग मिलना है काफी ज्यादा अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? खोरिया गांव से, अजगर मोतीगंज के बाद। अच्छा, बगल बगल में। हाँ। यूपी के जिला सिद्धार्थनगर में रहते हैं, यूट्यूब के जरिए लोग हमको जानते हैं। और जो आप सभी लोग ये सामने घर देख रहे हैं, ये हमारा ही घर है, यूट्यूब की कमाई से बनाए हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग गाइस। फाइनली जा रहा हूँ आज एक यूट्यूबर से मिलने के लिए, जो कि मसीना गांव में, यूपी सिद्धार्थनगर में। तो गाइस फाइनली लेके चलता आपको और वहाँ जाके उनसे मिलाता हूँ, जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स है। गाइस मेरे को पता भी नहीं मसीना है कहाँ पे, तो एक बंदे को फाइनली बुलाया हूँ, अभी वो आ रहा जस्ट। उसके बाद हम लोग गाड़ी से चलने वाले हैं और गाड़ी का थोड़ा ब्लॉग बनाता हूँ, और उनके घर पे उनका घर का काम चालू है, और लेके चलता हूँ आपको, उनसे मिलाता हूँ, उसके बाद देखिए गाइस। तो गाइस फाइनली लेके चलते हैं आपको मसीना, और देख सकते हो हमारे पास हुंडा साइन गाड़ी है। तो गाइस लेके चलता हूँ आगे, उसके बाद आगे का सीन दिखाता हूँ आपको। और अभी हम लोग खोरिया गाँव से निकले गाइस, तो वो बंदा आ रहा है अभी वहाँ पे, उसको शायद पता है उसका घर, और तो वहाँ बैठ के मैं आपको पूरा दिखाऊंगा फाइनली पहुँच के। तो हम 3 दोस्त जा रहे हैं यहाँ पे, और देख सकते हो यहाँ पे एकदम यूपी वाला सीन है भाई साहब, देख सकते हो यहाँ पे गोबर वोबर सब लगा हुआ। तो फाइनली लेके चलता हूँ आपको वहाँ पे, लोकेशन वोकेशन मार के जाता हूँ, देखता हूँ कैसे क्या सीन हो रहा गाइस। गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, और मसीना में हम लोग पहुँच गए हैं, और उसके घर पर भी चलते हैं जस्ट। वो ब्लॉगर के गरीब MS ब्लॉगर यहीं पर ही रहता है, और बोला हुआ एक आदमी से, तो बोला कि कहीं पोखरा के बाजू को है, तो लेके चलता हूँ गाइस। खाली पकड़ दूँ भाई, थोड़े को पकड़ खाली, और नीचे पकड़। तो आ गए हम फाइनली उनके घर पे भाई से, और मिलाते आपको, उनका घर दिखाता कौन सा है। ये है उनका घर भाई साहब फाइनली, तो लेके चलता हूँ उनके घर पे गाइस। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे बाइक खड़ा है, मुकेश भाई के घर पे आ चुके हैं हम लोग, और अभी मुकेश भाई से मिलते हैं, चलो। और मुकेश भाई के घर पे, और उनके वो अभी सोए हैं शायद, तो उनसे मिलाता हूँ आपको, लेके चलता हूँ गाइस। तो सबसे पहले आप सभी को अपने बारे में बता देते हैं दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश सानी, और यूट्यूब पर जो हमारा चैनल है 1.4 मिलियन की यूट्यूब फैमिली है, गरीबी में ब्लॉग्स नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आप सभी को अपना डिटेल्स बता देते हैं, क्योंकि भाई उतना दूर से मिलना है, और यूट्यूब मनी से घर बना है, तो उसका भी थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना भाई मतलब लगेगा कौन नहीं है क्या वगैरह वगैरह, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा यूट्यूब जर्नी लगभग तीन चार साल पहले स्टार्ट हुआ था यूट्यूब पर, और उस समय पहले हम गेमिंग वीडियो अपलोड करते थे एक दोस्त के साथ, फिर उसके बाद वो चैनल 10 महीने तक चला, फिर उसके बाद जो हमारा अभी चैनल है ये MS गेमिंग ऐसे कुछ नाम था, फिर उसके बाद इस पर 8 महीने बाद चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद लगभग 2 साल से अभी मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इस पर, धीरे धीरे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला, काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर के साथ इंटरव्यू वगैरह हुआ, जैसे मनोज देव, और यहाँ तक कि जो स्टॉक यूट्यूब वाले बाबा जुन्नू के टेक, मतलब जिन टेक कैटेगरी के जिन्हें बड़े बड़े क्रिएटर हैं, सबके साथ हमारा बातचीत वगैरह हो गया, इंटरव्यू वगैरह, तो लोगों ने प्यार और सपोर्ट दिखाया भाई। और ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब मनी वाला घर है, तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है भाई? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई भाई आपसे मिलके कि इतना बड़ा बनाए भाई साहब, तो मेरा भी सपना है कि एक दिन मैं भी ऐसा कुछ करूं, जरूर भाई, और मम्मी पापा को खुश करूं। तो बहुत सारे बोलते हैं कि मतलब वीडियो बनाने से ये होगा वो होगा, बहुत दिक्कत होगा, तो भाई साहब फाइनली मैं भी चाहता हूं कि मैं भी यूट्यूब के कमाई से कुछ करूं। या कब से बना रहे हैं वीडियो? तो भाई साहब मैं 2-4-5 साल हो गया लगा मेरे को, पहले गेमिंग का डालता था, पबजी खेलता था, उसके बाद अब ब्लॉगिंग करने लगा, तो 2 साल हो गया ब्लॉगिंग करते करते, तो अभी उसी पे लगा हूँ और अभी बना रहा हूँ। तो सोचा भाई से मिल लेता हूँ, मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे रहते हैं और इतना सारा सब्सक्राइबर्स है, तो मिल के आते हैं। तो जरूर जरूर, देखो भाई आप ना कितनों भी मेहनत कर लो, अगर सही तरीके से मेहनत नहीं करोगे तो 4 साल लगाओ चाहे 5 साल लगाओ, नहीं होता है यहाँ पर। और ये नहीं कह रहा कि आप बहुत सारा मेहनत करो तो भी नहीं होगा, देखो जिसका होना रहता है ना भाई, किसी का 4 महीने में हो जाता, किसी का 4 साल भी हो जाता तो भी नहीं होता, तो बस मेहनत करते रहना और सीखते रहना है, ये नहीं सोचना है कि आसपास टोला पड़ोसी लोग क्या कह रहे हैं क्या वगैरह वगैरह। आपके पास अच्छा फ़ोन भी है, कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एडवांटेज तो आपके पास ही है, बस एक ही चीज़ है, बस आपको रेगुलर करना, कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, रोज बनाने। देखो अपने पास क्या था भाई कि 3 GB RAM का फोन था, ना कोई सपोर्ट था वगैरह वगैरह, खुद जाकर दूसरे के यहाँ रिचार्ज करते थे, मतलब काम करके रिचार्ज करते थे, तो डिसएडवांटेज तो बहुत सारे थे, लेकिन एडवांटेज भाई एक ही था कि भाई बस करना है कुछ करना है, बस एक ही चीज आस रहनी चाहिए कि भाई लगना है इसी पर, लगन से करना है और कुछ ना कुछ करके दिखाना है, तो कुछ ना कुछ कर सकते हो, अगर मतलब है जुनून तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, बस लगे रहो भाई,
और हर कोई चाहता है कि YouTube की कमाई से या फिर किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए या फिर किसी भी क्षेत्र में अपना अपना रुत दिखाकर कुछ भी करके दो चार पैसा कमाए, अपना एक अच्छा गुजर बसर होए। अपना तो YouTube के जरिए हुआ, इतना प्यारा सा घर तैयार हुआ, वरना भाई साहब कहाँ इतना अच्छा घर बन पाता। मुकेश भाई, तो आपका मंथली का ये पेमेंट कितना रहता है YouTube की कमाई से? तो भाई पूछ रहे हैं कि हमारा YouTube का मंथली इनकम कितना होता है। तो देखो, हर एक यूट्यूबर का जो मंथली इनकम होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए कोई भी क्लियर नहीं बता पाता है, क्योंकि व्यूज के अकॉर्डिंग ही यूट्यूब का इनकम आता है, तो इससे किसी का भी इनकम एग्जैक्ट इनकम नहीं होता है। अच्छा, तो देखो जितना भी यूट्यूब का इनकम आता है उससे हमारा गुजर बसर आराम से हो जाता है। और जैसे हर कोई हिंट देता है कि मेरे पास ये है कि आईफोन 15 ले सकता हूँ वगैरह वगैरह, तो अपना तो ऐसा नहीं है। क्या है कि मतलब इतना है कि अगर आईफोन लेना हो ना तो सस्ता वाला भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इतना हो जाता है कि भाई एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक ड्रीम होता है अर्निंग का ना, उतना हो जाता है भाई। अच्छा, एकदम बढ़िया से। कुछ ट्रिक ऐसा बता दो कि जल्दी से हमारा भी चैनल ग्रो हो जाए ऐसा कुछ। अच्छा, तो अभी आप पहले बता दो कि 365 दिन में 365 जो एक साल होता है, हाँ, उसमें कितना ब्लॉग अपलोड किए होंगे आप लगभग? उसमें कम से कम तो 100 ब्लॉग तो हो गया रहेगा पूरा। 100 ब्लॉग, तो यानी कि रेगुलर नहीं रहे हैं आप, पहली कमी ये। और हम 365 दिन में 365 ब्लॉग अपलोड किए थे अपना ये जो चैनल है, जो गरीब एमएस ब्लॉग्स नाम से है। अच्छा, मतलब डेली ब्लॉग करते हैं। ये हो गया। और थंबनेल आपके तो चैनल अभी तक हमने देखा नहीं है, तो थंबनेल वगैरह जैसे आप डेली रेगुलर नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि आपका थंबनेल भी उतना परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर आप करोगे तो ही आप अच्छे से सब कुछ सीख पाओगे। तो यहाँ पर एक कमी ये दिख गई कि रेगुलरिटी नहीं सही है, थंबनेल भी वगैरह भी आपके हिसाब से कहीं 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 ना कहीं गड़बड़ होगा ही, तो यही दो दिख गया। और कंटेंट क्वालिटी में भी, अगर कंटेंट क्वालिटी रहता है तो भाई वायरल हो ही जाता, चाहे 10 वीडियो डालो चाहे 40 वीडियो डालो। तो यही तो तीन चीज़ें होती है जो सही करना रहता है। पहला तो आपको कंटेंट बढ़िया होना चाहिए, और थंबनेल तो भाई एकदम बढ़िया होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम हैवी भी नहीं होना चाहिए, मतलब देख कर कोई क्लिक, हाँ क्लिक कर, अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेन वही है। देखो भाई, खाना कितना भी अच्छा हो दिखने में अच्छा ना लगेगा तो कोई नहीं खाएगा, तो वैसे है भाई। जो मान लो खाना खा रहे हो, थाली मान लो अच्छा ना हो, खाना अच्छा ना हो, तो लोग कितना भी अच्छा खाना दे दो भाई, अमृत ही रहे तो वो लोग पूछेंगे नहीं, तो वैसे ही ये भी है। बढ़िया से करोगे तो ही हो पाएगा। और कोई भी उसका ट्रिक नहीं होता यूट्यूब पर कि ये लगा दो तो भाई मिलियन जाएंगे। अगर ऐसा कोई ट्रिक होता तो भाई मैं 4-6 चैनल खोल लेता घर में, सबका चैनल खोल लेता और लगाता, सब पैसा कमाता लाखों करोड़ों। इसका मतलब मेहनत करना पड़ता है। बस मेहनत ही है भाई यूट्यूब पर, बस मेहनत ही है जिसके बदौलत आप कुछ कर सकते हो। कोई ऑप्शन नहीं है कि यूट्यूब वीडियो ऐसे वायरल होता है वैसे वायरल होता है। चलो, तो देख सकते हो मुकेश भाई का जो घर में डाले हैं वो देख सकते हो, यही घर था जो तोड़ रहे थे। और गाइस फाइनली भाई सामने खड़े हैं। और तो गाइस बहुत मुकेश भाई आपका बहुत बहुत थैंक यू आपसे मिलने के लिए, और आप जो बोले हो वीडियो में उसके लिए भी बहुत बहुत सारा धन्यवाद। तो मिलके बहुत खुशी हुई गाइस, और चलते हैं फिर। चलिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए और ब्लॉग बनाते रहिए, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहिएगा। अगर आप लोगों ने इस ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।